तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स ऑफ एटॉमी। तो आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, द 8 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेज इन द वर्ल्ड के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है, टॉप 8 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 8 सबसे महंगे और खूबसूरत घरों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नंबर 8 पोजीशन पर आता है इलिसन ई एस्टेट। यह वर्ल्ड कैलिफोर्निया के वर्ल्ड साइड में मौजूद है और ये तकरीबन 23 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, यानी बहुत लार्ज स्केल पर यह घर बना हुआ है। और इसका कॉस्ट है $200 मिलियन, यानी तकरीबन 94,500 करोड़ रुपीस। और इस घर को 2004 में बनाया गया, जो अभी तक टिका है। एंड हैशटैग नंबर 7 पे बात करें तो 4 फेरीफील्ड पाउंड, इसका नाम भी बहुत ही अलग है, 4 फेरीफील्ड पाउंड, यह न्यूयॉर्क में मौजूद है। और इसका साइज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा, हमारी जितने भी लिस्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा साइज इसी का है। 63 एकड़ ज़मीन में यह घर फैला हुआ है। और इसका कॉस्ट की बात करें तो $24.248 मिलियन रुपीस, यानी कि 1,18,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका प्राइस आता है। नंबर 6 पर आता है द ओडियन टावर पेंट हाउस। यह मोनैको में स्थित है और ये एक बिल्डिंग है, जैसा कि आप फोटोज में देख रहे हैं, ये एक हाउस वगैरह नहीं है, एक टावर है। और इसका 49 फ्लोर्स है इस टावर में। और इसका कॉस्ट है $330 मिलियन, यानी कि 1,41,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। और इसे 1980 में प्लानिंग किया गया था बनाने के लिए, लेकिन इसका काम शुरू हुआ था 2009 में। नंबर 5 पोजीशन पर आता है लेज पलाइज बुलेज। ये जैसा कि इसका नाम अजब लग रहा है, आपको घर भी अजब देखने को मिलेगा, बलबला टाइप का ये थोड़ा घर है इसका, अजीब सा। और ये थियोल सोर मर्म, यानी फ्रांस में मौजूद है। और इसका कॉस्ट है $390 मिलियन, यानी कि 1,65,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा। और ये 1989 में इसे बनाया गया। और इसका अगर जो एरिया में बात करें तो ये 10 एकड़ के आसपास एरिया में फैला हुआ है। और ये शायद कंट्री साइड भी है, यानी एक देख सकते हैं वीडियोस में या फोटोज़ में, ये बिल्कुल अलग समुद्र किनारे बना हुआ है, जहाँ से व्यू पॉइंट बहुत मस्त आता हो। नंबर 4 पर आता है विला लेस सेड्रेस। विला लेस सेड्रेस या सेंट जियन कैप फेरेंट में मौजूद है, जो कि फ्रांस में है। और इसका कॉस्ट है $450 मिलियन, यानी कि 1,79,000 करोड़ रुपीस। ये 1830 में ही बनाया गया था और ये 34 एकड़ जमीन के आसपास में फैला हुआ। नंबर 3 पे मौजूद है विला लियोपोल्डो, यह भी फ्रांस में ही मौजूद है, विले फ्रांचेस सूर मेर नाम की जगह पर। फ्रांस का हर सिटीज या फिर कंट्री साइड का नाम बहुत ही लंबा होता है। इसका कॉस्ट है $750 मिलियन, यानी कि 2,83,000 करोड़ रुपीस। और ये 1931 में बनाया गया था। और इसका एरिया की बात करें तो ये 18 एकड़ एरिया में फैला है। नंबर 2 पोजीशन पर आता है, जो कि इंडिया में मौजूद है, वो भी मुंबई में, शायद आप लोग जान गए होंगे, एंटीलिया। एंटीलिया 2010 में ही बनाया गया था और इसका कॉस्ट है तकरीबन $1 बिलियन, यानी कि इंडियन रुपीस में 10,00,000 करोड़ रुपीस। और ये ज़्यादा एरिया में नहीं बनाया गया था, देख आप जानते ही होंगे कि मुंबई में बिल्डिंग्स का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये 1.2 एकर्स ज़मीन पे बना है। ये एक टावर है, तो इसके फ्लोर की बात करें तो इसमें 27 फ्लोर मौजूद है। और नंबर 1 पर आता है बकिंघम पैलेस। शायद आप इन्हें इस पैलेस को बहुत सारे मूवीज में असली या नकली के रूप में बहुत बार देखे हो। ये लंदन में मौजूद है, यूके में, और ये एक शाही घराना है। इसका मतलब है कि ये इसे राजाओं ने बनवाया था और ये अभी तक रॉयल फैमिली का हिस्सा, यानी उनका अपना घर के लिए, यानी अभी तक ये रॉयल फैमिली का परमानेंट हाउस के रूप में मौजूद है। और इसका कॉस्ट है $2.9 बिलियन, और ये फैला है 40 एकड़ ज़मीन में, यानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है बकिंघम पैलेस, सबसे बड़ा एरिया कवर कर। और इसे बनाया गया था 1703 में, यानी बहुत पहले, तकरीबन 300 साल पहले। और अगर जो $2.9 बिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 30,00,000 करोड़ रुपीस इसकी लागत। पहले इसका प्राइस अलग होगा, लेकिन
अभी के टाइम के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करके देखें तो 30 लाख करोड़ रुपीज़ इसका प्राइस आएगा। तो ये थे दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेज इन द वर्ल्ड। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।